आज धूप बहुत अच्छी निकली है सुबह से और ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो वैसे आज मैंने कोई कपड़े नहीं धोए, कल वाली ही सुखा लिए हैं। और अभी 2 बजे हैं, नहीं 2 नहीं 1:30 बजे हैं। और अभी नहाई हूँ मैं, सुबह से ऐसे ही लेटी थी, हस्बैंड चले गए थे, जल्दी चले गए थे। और मैंने बनाए हैं मसाला राइस। खाना खाने का तो मन ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चावल बना लेते हैं, राजमा तो पड़े ही हैं और यही खा लेंगे रात को भी। अभी भी तो खाना खाने का वैसे बिल्कुल मन नहीं है, तो हस्बैंड भी खाना खा कर नहीं गए थे क्योंकि उनको टाइम बताया कुछ और था और वो चले पहले ही गए। तो मैंने गोभी की सब्ज़ी काट के रखी थी, लेकिन फिर अगर मैं बनाती तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाना था, इसलिए वो ऐसे चले गए, बाहर से कुछ खा लेंगे। कर लेते हैं दाल को भी थोड़ा सा गरम, और अकेले तो खाना खाने को मन भी नहीं कर रहा। और मेरा ना ये जो फ्यूचर का था, इसका ये जो ऊपर वाला कैप है, ये भी टूट गया। ये जब शायद शिफ्ट किया था ना ट्रेन में, मेरा बहुत सारा सामान जो है टूट गया। किचन का एक नई ट्रे थी वो टूट गई, होम सेंटर के 4 चीज़ें टूटी है। एक तो ये इसके कंटेनर का ढक्कन, और एक ये पूरा टूटा था, और एक मेरा कप टूट गया, एक मिल्क वाला था वो टूट गया। तो इतनी चीज़ें होम सेंटर की टूटी हैं, उनके अलावा और चीज़ें भी नहीं टूटी हैं। एक मैं बाउल लेकर आई थी 40 रुपीज़ का डी मार्ट से, बहुत अच्छा था, एक ब्लैक और ब्राउन कलर का। एक मैं यहाँ पर मैंने सोचा था कि चलो ले जाती हूँ, एक घर पे छोड़ देती हूँ, तो वो भी टूट गया। काफ़ी सारा सामान मेरा जो है टूट गया, क्योंकि वो लोग फेंकते ऐसे उठा उठा के थे, मुझे शक था कि टूट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी खा लेती हूँ खाना। अकेले तो खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, खाना खाना तो है ही है और अच्छा भी नहीं लग रहा। और अभी मैंने आज सुबह से मम्मी को एक बार भी कॉल नहीं की, नहीं तो मैं कर लेती हूँ इतने टाइम तक, कई बारी 2 बारी, कई बारी 1 बारी। और क्योंकि मम्मी टेंशन ले लेंगी कि अब तुम फिर यहाँ पे अकेली हो, और वहाँ पे तो सब थे, अब यहाँ पे अनजान शहर है। तो क्योंकि जब मैं घर पे होती थी तो मम्मी सुबह सबसे पहले उठ के मुझे कॉल करती थी कि ठीक ठाक है या नहीं। अभी तो फिर यहाँ पे अभी मुझे खाना खा के फिर मम्मी को कॉल करूँगी।
तो शाम का टाइम हो गया है, तो मैं चली थी बाहर वॉक करने और आ गई है बारिश। तो पहले थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि बादल हैं और अभी मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा भी था कि बारिश है काफ़ी तेज़। और यहाँ पे ना बारिश होने से ही अच्छा रहता है, अगर बारिश ना हो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मतलब ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है कि जैसे कल बारिश नहीं हुई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आज हो गई है। तो अभी देखते हैं कि करते हैं वॉक या नहीं, क्योंकि छींटे आ रहे हैं यहाँ तक, काफ़ी तेज़ बारिश है और मेरे प्लांट्स को पानी भी मिल गया। तो चलते हैं फिर से अंदर, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है।